हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ गुजिया की एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने खोया या मावा से बनाया है। इससे पहले भी मैं गुजिया की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसको मैंने सूजी और मावा से बनाया है। आप चैनल पर विज़िट करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। गुजिया को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आप भी इस तरीके से गुजिया बनाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत टेस्टी गुजिया बनेगी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ये 1 टीस्पून देसी घी डाला है एंड ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको भी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालने से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोकोनट पाउडर है, ये 100 ग्राम कोकोनट पाउडर है, इसको भी भून लेंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं इसको भूनना है, बस थोड़ा सा भूनना है, जिससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये भुन चुका है, इसी में मैंने ये खोया या मावा है 200 ग्राम है, इसको भी डाल दे रही हूँ। इसको भी भूनना है, इस तरीके से चलाते रहेंगे इसको। इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है। ये थोड़ा सा इलायची पाउडर है, इसको भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। एंड इसको कॉन्स्टेंटली आपको चलाना है, छोड़ना नहीं है बीच में, नहीं तो जल जाएगा। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। ये देखिए मावा एक साथ आने लग गया है, ऑलमोस्ट भून चुका है ये। मावा अच्छे से भून चुका है, इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक गुजिया के लिए डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ये मैंने डो लगाने के लिए मैदा लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। मैदा की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको गुजिया बनानी हो उसी हिसाब से मैदा लीजिए। इसको मैंने मिक्स कर लिया है और आज मैंने ये डो दूध से लगाया है। आपको पानी की जगह पे दूध इस्तेमाल करना है। इसको मैं ये कंटेनर में डाल दे रही हूँ, जिससे ये सूखेगा या पपड़ी नहीं बनेगी। आप चाहें तो ऐसे ही रख के इसके ऊपर गीला कपड़ा भी डाल सकते हैं। एंड इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। स्टफिंग के लिए मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वो लिया है, मैंने इसमें बाउल में निकाल लिया था इसको। और ये मावा जिसको रोस्ट किया था वो है, इसको इसमें ऐड कर लूँगी। एंड ये 150 ग्राम पिसी हुई चीनी है, जिसको बूरा भी बोलते हैं, उसको ऐड कर लेंगे। चीनी की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। और उसमें मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मुट्ठी बंद करने पर आप ये लड्डू जैसा, ये ऐसी शेप आनी चाहिए। ये डो मैंने जो बना के रखा था उसमें से थोड़ा सा डो मैंने ले लिया है, इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेंगे।
तरीके से। इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, तरीके से बिल चुका है ये सांचा। इसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ और इसके कॉर्नर में वाटर लगाऊंगी जिससे कि अच्छे से चिपक जाएगा। इस तरीके से इसमें ये स्टफिंग डाल रही हूँ। स्टफिंग को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप डालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से इसको बंद करके अच्छे से बंद कर देना है और जो भी इसका एक्स्ट्रा एज है वो निकाल लेंगे। देखिए गुजिया बन के तैयार है, इस तरीके से बनेगी। इसी तरीके से मैंने सारी गुजिया को बना लिया है और अब इनको फ्राई करेंगे। ये फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल में डाल दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके से डाल देंगे सारी गुजिया को। और इसको ऐसे इस तरीके से पलट पलट के सेंक लेंगे। इसको मैं टिश्यू पेपर पे निकाल ले रही हूँ। इसी तरीके से सारी गुजिया को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं इनको सेकना है। इस तरीके से लीजिए मावा की गुजिया बनके तैयार है। बहुत ही इजी तरीके से आप भी बना सकते हैं और बहुत सॉफ्ट बनेगी, बहुत टेस्टी। आप इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ होली पे एंजॉय कीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।